Sávdo, insávdo! Jeduka, insávdo! Sávdo, insávdo! Jeduka, insávdo! Ujvon! Justice! Ujvon! Justice! Ujvon! Justice! Ujvon! Justice! Sávdo, insávdo! Jeduka, insávdo! Insávdo! Jeduka, insávdo! Insávdo, insávdo! Jeduka, insávdo! Insávdo, insávdo! Jeduka, insávdo! ये तो हमने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इशारा दिया है, इस लाइट का इशारा है कि जल्द से जल्द हमें कातिल बच्चों का जो इंसाफ है मिलना चाहिए। आज तीन महीने हो गए, कार्रवाई नहीं, तीन महीने हो गए, हमारे घर में तो ना कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, हम सभी बीमार पड़े हैं, हमारा ये हाल है ना कि हम क्या, हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारी सरकार जो है ना वो तो ऐश कर रही है, उनको क्या है, अगर किसी मिनिस्टर के बच्चे होते ना तो चार पाँच दिन में ये केस उनका सॉल्व हो जाता, ये एक गरीब माँ के बच्चे थे, लेकिन इस गरीब माँ के बच्चों का इंसाफ नहीं हुआ। सरकार मुझे ये बता दे कि किस कारण ये इंसाफ क्यों नहीं हो रहा इन बच्चों का, या तो वो सरकार हमारी इंसाफ दे रही है तो ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हमें साफ बता दें कि हम इंसाफ बच्चों का नहीं दे सकते। भारत माता की जय। जी जिसके नतीजे में तो उसे जो हमारे डीजीपी ने बयान दिया था उसमें उन्होंने सीधा कहा था पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो गुस्से की लहर दौड़ रही है, सारे लोग जो हैं वो सदमे में हैं, काफ़ी देर से तीन महीने हो गए, सारी एजेंसियाँ यहाँ लगी हैं लेकिन किसी नतीजे पर कोई भी एजेंसी वो नहीं पहुँच पाई है। तो सीधी सी बात है कि आज जो है हमारा केंद्र मार्ग से जो निकाली गई है, कल हमारी जो यहाँ पर एक मीटिंग होगी, मीटिंग में वो जो एक आज तो खाली एक गांव की यहाँ से जो केंद्र मार्ग निकाली गई, उसके बाद जो तय की जाएगी घर घर गांव गांव में से ये केंद्र मार्ग से निकलेंगी, लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, अगर ढांगरी जो है सेंटर में आकर ये इंसीडेंट हुआ तो काफ़ी लोग जो दूर दराज एरिया में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा जो है वो इतने नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ये कहीं ना कहीं हादसा जो यहाँ पर हुआ है ये दोबारा से ये हादसा ना हो, आज लोगों के अंदर जो है बड़ा दहशत कम हो रहा है, जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते लेकिन कम से कम जो बाकी जो लोग हैं उनको ये तो पता चले ये कहाँ से लोग आए थे और कहाँ गए हैं, इसके लिए आज मैक्सिमम जो लोग हैं जो डांगरी के बाहर आए हैं, कल सुबह जो है हमारे ये मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके बाद जो आंदोलन की रूपरेखा जो आगे तैयार की जाएगी, आगे से आंदोलन शुरू होगा।